Welcome to Varanasi, the land of holy men. We've given up our earthly belongings and left our homes, like the car we never own, the jobs we don't have, and $1 million I'll never make, all to answer the one question that has plagued humanity all this while: the meaning of life. Let's go meet them Babas. रायू प्यार का लाया हूँ पैगाम श्री राम का। पैसे से ना मिले जवानी, जोश कहाँ से लाएगा, और चाहे जितनी दौलत हो संतोष कहाँ से लाएगा। मैं बेटा गोरखा रेजिमेंट में गया। आर्मी फौज में बाबा, फौजी बाबा। 2 साल पहले हमको भगवान ने दर्शन दिए थे। हम अपने घर के आंगन में थे, माता जी के पास, एकदम हमको दर्शन दिए, बोले तुम चले जाओ। बस भगवान कहीं नहीं है, भगवान माता पिता हैं। अल्फ्रेड नोबेल को पता होता तुम डायनामाइट किसी घर में लगा दोगे, वो बनाता थोड़ी, उसने तो पहाड़ों पे लगा के रास्ता बनाने को बनाया डायनामाइट। आई एडमायर इंडिया बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ प्लेस फॉर पीपल who are just not strong enough to fight for life. और चीलम बन गई माता और गिट्टी बन गया दाता, यही सुख कुल पी के साथ ही में सीता राम दाता। बगल में लटकी काए तंदुल की गठरी का। A sadhu is a man who gave up his past life to live the life of a free man. साधु तो देखो सिंपल सी बात है, रामायण में लिखा है, जिस किसी को भी परमार्थ करना हो, दूसरों का अच्छा करना हो, वो साधु बने। He is not a holy man. He is to become eventually one day, or maybe not, a holy man. In the meantime, he is a free man, a man who gave up something to acquire some more freedom. कुंभ का पहला दिन था हरिद्वार का, गुरुजी के साथ घूमने गए थे साहब। वहाँ पे circumstances ऐसे हुए, क्या कह सकते हैं, वो तो जैसे लिखित होता है ना। 31 years ago, when I decided to disprove God, I thought people believing in God had to be mad or very stupid, and I couldn't believe so many people were concerned about this. Kashi for me is India. Many different areas of India are connected here. Relationship क्या है यहाँ, तो वही वाली बात है जैसे तुम लोग कहते हो vibes. कहीं और बैठ के कुछ और थोड़ा late में समझ में आता है, यहाँ थोड़ा जल्दी समझ में आता है। It's a big party, but the party is not in one room. It's spread throughout the gap. फिर यहाँ गंगे माता आप धो लो, फिर नहीं कर लो। हाँ, जब मैं मिला तब शायद मुझे नहीं पता था वो भगवान है, लेकिन जब वो पैसेज गुजर गया तो मेरे अंतरात्मा ने खूब चिक चिक के कही तेरी मदद करने वाला वो भगवान ही था जो आया था। अब भगवान कहीं मिलेगा नहीं, अब पता तुम जैसी शक्ल से मिलेगा। अब हर किसी से प्यार से बोलना है। पता लगा कि वो बीच में आया, किसी से लड़ बैठे और वही भगवान था। फिर God is a poisonous name. Some people kill for that. Some people get hurt and die for that. Gandhi. Mahatma Gandhi, he decided that Sat, Sanskrit name for truth, truth is God. Jesus came to the world and he said, love is God. You see, every time we use God, we must put a word before to explain what we really mean. Some people will say energy is God. Energy means what? You know, I feel weak, I feel strong. So God is up and down. Who is me? Okay. There is 85 girls for 100 boys in this country. 15% are missing. Now, what's wrong with this country? That's 20 years of wrong policy leads to 15 boys without a woman now. वो कह रहे हैं वे शास्त्र में नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सतरंगी है। ढक दे तो कुल को ढक दे, नहीं तो नंगी की नंगी है। ये तो देवी भी है, जननी है, माता है, और जब ये विरोध पे आती है तो फिर इससे बड़ा विध्वंस भी किसी का नहीं है। कुल को नाश कर देती है और कुल को तार भी यही देती है। The chillum is connected with Agni, the fire, and with Shiva, like the lingam. So it's the connection of Agni, the messenger of God, and Shiva. Now, you inhale Shiva's production inside you. Bhaang, वो चाय वो तुम ऐसे पी रहे हो हैश के रूप में या वीड के रूप में पी रहे हो या वैसे खा रहे हो या ठंडाई पी रहे हो वो लौट फिर के वो उसका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो आ तो एक ही चीज़ से रही है ना सारी। भंग पीने को एक यूँ मानते थे कि मेडिटेट करती है आदमी को। भंग पेट के लिए है, पेट साफ रहेगा आदमी को विचार अच्छे आएंगे और साधु संत और मुल्ला मौलवियों के लिए बताई गई है। अब पब्लिक कर रही है, इसका कोई क्या करेगा? When you inhale that, it changes your mind. The chillum is a way also to relax. It's a way also to be lazy. पैसे से ऐनक मिलती, आँख कहाँ से लाएगा? उतर गया इज्जत का पानी तो नाक कहाँ से लाएगा? निकल गया जब तीर कमा से तू बाण कहाँ से लाएगा? और दवा मिलेगी पैसे से तू प्राण कहाँ से लाएगा?